मामले में आज औरत को नीच रूप में देखा जा रहा है। अरे नीच देखने वालों, आप अपने देश अपने घर को नीच कर रहे हैं। आरोप है कि विवेक ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज की और जमकर मारपीट की। इस मारपीट में विवेक बिंद्रा की पत्नी यानिका को कई चोटें आई। सभी को नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज मैं जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना के बारे में बात करना चाहता हूं। विवेक बिंद्रा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक वक्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई, जो दूसरों की मूल्यवान जीवन सबक और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन हाल में ही वह उस वक्त विवादों में घिर गए जब खबर आई कि उन्होंने अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट की है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ पत्नी से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ शिकायत उनकी पत्नी के भाई की तरफ से करवाई गई है। आरोप है कि विवेक ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज की और जमकर मारपीट की। इस मारपीट में विवेक बिंद्रा की पत्नी यानिका को कई चोटें आई हैं। एफआईआर के मुताबिक दोनों की शादी इसी महीने 6 दिसंबर को हुई और उसके अगले ही दिन विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को रूम में बंद करके उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट से यानिका को शरीर में कई जगहों पर घाव हो चुके। इतना बुरी तरह पीटा कि पत्नी का कान फट गया, बहुत बुरी तरह पीटा। यह देखना वास्तव में निराशाजनक है कि कोई व्यक्ति जो मूल्यों, नैतिकता और व्यक्तिगत विकास के बारे में उपदेश देता है, वह जो उपदेश देता है उसका पालन करने में असफल हो जाता है। कोई व्यक्ति जो दूसरों को प्रेरित करने में विशेषज्ञ होने का दावा करता है, वह उन सिद्धांतों का पालन कैसे नहीं कर सकता जिनकी वे वकालत करते हैं। रिपोर्ट के मामले में आज औरत को नीच रूप में देखा जा रहा है। अरे नीच देखने वालों, आप अपने देश अपने घर को नीच कर रहे हैं उस समय। क्यों? क्योंकि ना तो देश आगे बढ़ रहा है, ना आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। मानसिकता की दिक्कत है। यह वास्तव में निराशाजनक है और उनकी शिक्षाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठता है। दोस्तों, हमें किसी को केवल उसके सार्वजनिक व्यक्तित्व के आधार पर आदर्श नहीं बनाना चाहिए। हमें उन्हें किसी उच्च स्थान पर रखने से पहले हमेशा गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उनके चरित्र और ईमानदारी का मूल्यांकन करना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई गलतियां करने में सक्षम है। हर घर पर पति पत्नी का थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना पेट दो हॉस्पिटलों भर्ती हो जाए, अत्याचार करो, ये गलत बात है। वास्तव में उनके चरित्र को प्रभाषित करता है जब ऐसा वो हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, आइए केवल फैंसी भाषणों की करिश्माई व्यक्तियों से प्रभावित ना हो कि कोई बहुत ही बढ़िया बोल रहा है, वो सही हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, बस वो मुखौटा लगाया अच्छाई का। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। अगर अपना विचार प्रकट करना है तो आप प्रकट करिए कमेंट में। आप सभी के विचारों से हम बहुत कुछ सीखते हैं।